आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज, आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। फिट इंडिया का संदेश लेकर उत्तराखंड बद्रीनाथ के बामणी गांव के कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा। करीबन 4000 किलोमीटर की लंबी साइकिल यात्रा फिट इंडिया और एकता का संदेश लेकर साइकिल पर निकले सोमेश पवार नाम के नौजवान आज 18वें दिन गुजरात के नर्मदा स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखकर बहुत प्रभावित हुए। रिपोर्ट अनिश खान बलूची। सर, मेरा नाम है सोमेश पवार और मैं उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम से बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव बद्रीनाथ धाम में बामणी गाँव नाम से है। सर, ये साइकिल यात्रा मैंने हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर आगे एक गांव है माना गांव, वो इंडिया का लास्ट विलेज कहते हैं उसको माना गांव। तो मैंने अपनी यात्रा 1 नवंबर से माना गांव से स्टार्ट की है और कन्याकुमारी तक की मैंने ये यात्रा करने की सोची है और हो भी रहा है ये यात्रा। आज कितने दिन हुए और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख के आए हो आज? जी सर, आज सर मेरे को 18 दिन हो गए हैं इस यात्रा के दौरान और सभी लोगों ने, अभी मैं यहाँ से पीछे बड़ोदरा होके आया था तो सभी लोगों ने कहा कि जब इतनी दूर से आई हो तो एक बार स्टैचू ऑफ यूनिटी देख के आओ। तो गया मैं, अब तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सम्मान मिला वहाँ। CISF के बहुत सारे जवान थे तो उन्होंने काफ़ी सम्मान दिया और बेस्ट ऑफ लक का मतलब एक वो दिया मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो फिलहाल के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी की छोटी बड़ी तमाम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।